आप अपना नाम और अपने व्यवसाय के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरा नाम है अमरीश बंचाल, बिजनेस है मेरा फैब्रिकेशन का। कहाँ से रहने वाले? अहमदाबाद का। ऑपरेशन कराने से पहले आपको क्या क्या समस्याएं होती थी उसके बारे में थोड़ा सा? हाँ, पहले से लाइफ बेहद सिडेंटरी हो गई थी। पिछले 6-8 महीने से तो ये हाल हो गए थे कि स्लीप अपने की वजह से रात भर नींद नहीं आए, उठकर बैठ जाओ, बैठे बैठे ब्रीद आउट सपोर्ट्स होते रहो, फिर गिर जाओ कहीं आगे पीछे साइड से कहीं भी, सुबह आँख जल्दी खुल जाए, उठ जाओ, और फिर उसके बाद 4-5-6 बार चाय पी के 10:30-11 बजे जरा से थोड़े से होश आए और मन करेगा चलो अब काम है और जाना ही है, तो फिर ज़बरदस्ती फिर निकलने वाली बात थी 6-8 महीने से। तो ये लग रहा था कि इस हाल में कैसे खींचा जाएगा अब। और पहले क्या मतलब शुरू से ही ऐसा था आपके साथ? नहीं, पहले तो अब सोच ही नहीं सकते, इतना फिट था मैं कि 10 किलोमीटर फास्ट सेविंग करके आता था मैं, उसके बाद सांस नहीं चढ़ती थी मेरी, फूलती थी, और फटीग जैसी कोई चीज़ मुझे पता ही नहीं चलती थी। पर बाद में हॉस्टल में जो गया मैं और वहाँ मेरा रूटीन डिस्टर्ब हुआ खाने पीने का सोने का, उसके बाद ओवर द ईयर्स थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ। एक्सरसाइज वगैरह थी 7-8 घंटे की दिन की, वो अचानक से छूट जाने से शिन स्प्लिंट हो गया, तो एक्सरसाइज करने के काबिल नहीं रहा मैं। तो अब ये सब था फिर मेरे लिए कि उसको छोड़नी पड़ी मुझे एक्सरसाइज बिल्कुल ही। जब आप मोहक हॉस्पिटल आए थे फर्स्ट टाइम, उस समय आपका वेट कितना था? 310। और उसके बाद कुछ आपको फर्क महसूस हुआ, सर्जरी कराई? हाँ, अभी से ही आज 4th दिन है मेरा ऑपरेशन के बाद। हाँ, आज मेरा सर्जरी कराने के बाद 4th ही दिन है। मेरा वेट ऑलमोस्ट 5.5 kg कम हो चुका है। और आप 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं? और सीढ़ी भी चढ़ के आया मैं इतनी। दूसरा क्या है कि जो चल बिल्कुल नहीं चल पाता था मैं, कि यहाँ तक कि लेटा हो, ज़्यादातर लेटा ही रहता था, लेटा हो कोई चीज़ चाहिए तो वाइफ को आवाज़ देकर बुलाई, बेटे को बुलाया कि ये ज़रा दे दे, क्योंकि इतने वो बॉडी को उठाने का ही मन नहीं करता था। तो यहाँ ये 15 दिन के दौरान जो रेस्ट भी मिला मुझे, सारी मेरी ट्रीटमेंट, हर तरह की ट्रीटमेंट हुई, न सिर्फ बैरेटिक सर्जरी, पर बैरेटिक सर्जरी से पहले जो लगा उनको लंग्स की प्रॉब्लम थी वो दूर कर दी, ऑर्थोपेडिक की जो थी शिन स्प्लिंट की जो, तो उसके लिए भी वो ट्रीटमेंट चालू कर दी, डर्मेटोलॉजिस्ट का भी थोड़ा प्रॉब्लम था तो उसका भी आके वो चालू कर दिया। तो आज इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं कि जब मैं 5 तारीख को यहाँ पहुँचा तब क्या था और आज क्या हूँ। स्मोकिंग की वजह से लंग्स मेरे बहुत वो हो चुके थे। और मोहक तक आने का सजेशन जो आपको रहा, हाँ, वो किसके थ्रू आया? मतलब मैंने एड पढ़ी थी अहमदाबाद में, और वहाँ की एक होटल में सेमिनार रखा हुआ था, वो अटेंड करने गया और उसी वक्त डिसाइड कर लिया। मैंने बोला ठीक है आ जाता हूँ। मुझे ये लग रहा था कि मेरी लाइफ है ही नहीं है, क्योंकि पहले जो लाइफ थी मेरी और उसके बाद ये जो पिछले 10 सालों से जो मैं भुगत रहा हूँ, तो मुझे लग रहा था कि इस लाइफ का ही कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, मोहक में आपको जैसा बोला था हॉस्पिटैलिटी यहाँ की के बारे में कहेंगे, जो आप इसके रिसीव किया होगा जिस तरीके से? अब एक समझो कि स्वर्ग ही बोलूँगा इसको तो मैं, कि स्टेशन पे टैक्सी आ गई है लेने के लिए, जाके सीधा गेस्ट हाउस में रखवा देती है, तुरंत आकर सुनील जी मिल जाते हैं। यहाँ का जो पैकेज है जो आपसे चार्ज किया गया, कि आपको बहुत ज़्यादा चार्ज? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसको देख के जो चार्ज किया गया, उसको देखते हुए आपको यहाँ के जो फैसिलिटीज जो आपको मिले हैं, जो जिस तरीके से हाउसकीपिंग हुआ, जिस तरीके से मैनेजमेंट है, सपोर्ट मिला, तो मतलब आपको ऐसा तो नहीं लगा कि नहीं मैंने ज़्यादा पे कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मेडिसिन जो होती है, नहीं मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ भी पे नहीं किया, मैंने सचमुच कुछ भी पे नहीं किया लग रहा है मुझे। बस जो थिंकिंग वो चल रहे हैं वो आजकल क्या है कि ये कलयुग में तो कहीं देखने को मिलेगी नहीं। एक डॉक्टर के पास सिर्फ समझने के लिए भी जाओ, इस बैरेटिक सर्जन के पास, तो बात करने के भी पैसे ले लेंगे,
सिर्फ बात करने के, एक भी पैसा चार्ज किए बिना एक्स्ट्रा, तो ऐसा तो कहाँ मिलेगा। लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि बैरियाट्रिक सर्जरी करवानी है तो जिस 110 से आगे बढ़ने से पहले ही करवा लो, और वो यहीं पर करवाओ सिर्फ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्जरी मोहित जी ने की हुई है पूरे एशिया में, सबसे बड़ी हॉस्पिटल भी इनकी है, सबसे अत्याधुनिक ओटी भी इनकी है पूरे एशिया में, और जो केयर ली जाती है। आज मैं अकेला ही आया हूँ बिल्कुल, पर मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कोई नहीं है मेरे साथ। तो ये कि मोस्ट एक्सपीरियंस बैरियाट्रिक सर्जन से इतने अच्छे माहौल में, इतनी अच्छी ट्रीटमेंट में, और जहाँ ये सोचा जाता है कि हमें सिर्फ बैरियाट्रिक सर्जरी नहीं करनी है, पेशेंट को एक नई जिंदगी देनी है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी ठीक करके उसको भेजना है, तो वही करवाना चाहिए, इंसान को आना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।